क्या सच में बनेगी ये फिल्म? क्या बोले SS राजामौली RRR के सीक्वल के बारे में? क्या रामचरण और जूनियर NTR मान गए फिल्म के लिए? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में रिलीज हो चुकी है। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघर में नहीं देख पाए तो आप इसका घर पर आनंद ले सकते हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की है। मूवी में जूनियर NTR और रामचरण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया है। इस कहानी में आपको जूनियर NTR और रामचरण की दमदार एक्टिंग के अलावा खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक RRR ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर अब तक 1100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। इससे पहले SS राजामौली ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया था। दो मशहूर भारतीय क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू की कहानी को दिखाया गया है RRR में, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस फिल्म में कमाल के विजुअल इफेक्ट्स थे जो स्क्रीन में बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। जूनियर NTR और रामचरण के अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारों ने काम किया था। SS राजामौली ने साफ किया है कि RRR फिल्म का पार्ट 2 नहीं होगा। RRR फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछे जाने पर SS राजामौली ने कहा, जब मैंने बाहुबली बनाई तो कहानी दो हिस्सों में थी, यानी कि दो भाग में। RRR में पूरी कहानी है एक फिल्म के अंदर। मैं फिल्म को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मार्केटिंग के लिए या बिजनेस के लिए बनाने में विश्वास नहीं रखता। ये फिल्म बनाने का एक बेईमान तरीका है। मैं इस तरह की फिल्मों को कभी नहीं बनाना चाहता। जब रामचरण और जूनियर NTR को इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जूनियर NTR ने सीक्वल के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, राजामौली सर को RR का सीक्वल बनाने की ज़रूरत है, इस कहानी का निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत है। मैं आज से पहले किसी से बात कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने कहा कि RRR एक फ्रेंचाइजी है, उम्मीद है कि वो शब्द सच होंगे। रामचरण ने कहा, NTR पहले RRR की रिलीज को समाप्त होने दें, फिर सीक्वल के बारे में सोचेंगे। बेशक हम सभी को फिर से एक साथ काम करने में खुशी होगी। अगर राजामौली सर RRR का सीक्वल बनाने के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बनेगी ये मूवी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।